वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा एक्शन मोड में नजर आते हैं। वो लगातार अधिकारियों से अपडेट लेते रहते हैं और हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, जिसमें वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकारी कामकाज की समीक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह एक बार फिर बैठक बुला ली। आज उन्होंने शहडोल जिले की समीक्षा की। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ की और काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को डांट लगाई है। सीएम ने जल जीवन मिशन की मंदी रफ्तार और काम ठीक न होने पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने अफसरों से कहा कि मैं आपके काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। शहडोल की पूरी रिपोर्ट शाम तक दीजिए। जो काम पूरे हुए हैं उनका लोकार्पण प्रभारी मंत्री विधायकों से कराया जाए। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये देखें। हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन जनता तक उनका फायदा नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं चलेगा। नल जल योजना के काम के बारे में सही जवाब ना देने पर मुख्यमंत्री ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई है। सीएम ने कहा है कि मुझे सीधे बताओ कि जुलाई तक कितना काम होना था और कितना हुआ है, यह नहीं चलेगा। आपने टारगेट कैसे तय किया? वही 59,768 हो गया पूरा, अभी कह रहे थे कि 50,000 हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जुलाई तक कितने कनेक्शन होने थे, कितने हुए हैं? जब इतना नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कैसे मान लें कि काम हुआ है? सीएम इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फौरन प्रभारी मंत्री से कहा कि आप जाकर नल जल योजना चेक करें, काम ठीक हुआ है या नहीं। हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, या हमारा दायित्व है कि हम ढंग से देखें। बाकी मैं विभाग से पूछ रहा हूं कि कई गांवों में अभी भी पानी की समस्या है। कई गांवों से शिकायत आई है, मुझे साफ जवाब दो, पानी मिल रहा है या नहीं। कितनी शिकायतें हैं निकाल कर दो मुझे। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।